निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। जय हिंद, मैं ललित खत्री और MTTV इंडिया पर आज बात प्याज के बढ़ते दाम पर। एक समय गरीबी को दर्शाने के लिए दिखाया जाने वाला वो दृश्य तो आपको याद होगा जिसमें एक गरीब आदमी प्याज से रोटी खाता हुआ दिखाई देता था। आम आदमी की थाली के साथ ही मेहनतकश लोगों की रोटी का अभिन्न हिस्सा रहने वाला प्याज अब मध्यम वर्ग की रसोई और होटलों के मेन्यू से गायब हो गया है और इसका कारण है प्याज की बेतहाशा बढ़ती कीमतें। देश के कई शहरों में तो प्याज की कीमतें 150 रुपये प्रति किलो को पार कर गई है। बेमौसम बारिश की वजह से प्याज की फसल प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त कारोबारियों ने सरकार की प्रतिकूल नीतियों को भी इसका जिम्मेदार ठहराया है। वैसे तो जुलाई से सितंबर तक बारिशों के कारण लगभग सभी सब्जियों के मूल्य में इजाफा होता ही है, लेकिन प्याज के दाम 100 के पार पहुँचने के कारण अब लोगों के लिए प्याज खाना भी आसान नहीं रह गया है। जनता का कहना है कि शादी विवाह रेस्टोरेंट में सलाद में प्याज की जगह मूली गाजर टमाटर परोसना पड़ रहा है, वहीं ग्रीन सलाद में से प्याज तो गायब ही हो गया है। यहां तक कि कई घरों में भी प्याज का प्रयोग बंद हो गया है। कई जगह तो प्याज की कीमतें चिकन को भी मात दे रही है। वहीं उपभोक्ता मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से प्याज बेचने वाले खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट को घटा दिया है। अब थोक व्यापारी 25 टन और खुदरा व्यापारी 5 टन से ज़्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे। हालांकि प्याज का आयात करने वालों पर किसी तरह की कोई सीमा लागू नहीं होगी। 100 रुपये किलो स्थिति मंडी में हो रही है, 80 से 95 रुपये किलो है और रिटेल में हम 100 रुपये किलो चला रहे हैं। 100 से हम ज़्यादा चला नहीं सकते क्योंकि ग्राहक 100 से ज़्यादा कोई नहीं ले रहा है, इसलिए हमारी जो 25% ग्राहकी रह गई है वो 25% बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो भी आता है भाव पूछता है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो कोई भी नहीं लेता है। नहीं नहीं भैया, 100 में से 20% लेते हैं, वो भी जैसे 5 किलो लेता है तो आधा किलो देते भैया, जो 1 किलो लेते क्या पाव भर देते भैया, बस पाव भर 1 किलो आधा किलो से ऊपर। वैसे 5 किलो 10 किलो ग्राहक ले जाते थे, अब पाव आधा किलो 1 किलो से कोई भी ऊपर नहीं ले रहा है। मुकेश कुमार, प्याज तो सर 80 रुपये 100 रुपये से कम नहीं आ रही है प्याज, पहली चीज़ तो। और आज मैं लेने गया तो 1.5-2 किलो रोज लेता ही हूँ कभी कभार, अब पावर भी नहीं ले सकता हूँ। क्यों? कारण है कि बस जो इनकी मन मर्जी चल रही है इनकी, सरकार की ना तो कोई ध्यान दे रही है। अब सब्जियाँ महंगी हो गई, पढ़ाई के खर्चे महंगे हैं, तो इंसान करे तो खाए तो क्या खाए। प्याज का क्या कहना चाहते हो? प्याज आज क्या किलो लिया आपने? प्याज तो आज मैंने 100 रुपये किलो लिए, वो भी पावर लिए। चरणदेव कश्यप, प्याज की तो हालत ऐसी है कि खाना का दुश्वार हो गया प्याज का, गरीब आदमी तो ले नहीं सकता प्याज। क्या किलो हो रही है प्याज? प्याज ये 110 रुपये किलो हो रही है प्याज अभी। कितने क्या कोई पब्लिक प्याज पे नुकसान है? कोई पब्लिक गरीब आदमी खा नहीं सकता है, प्याज की कालाबाजी हो रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मंडी में क्या भाव है यहाँ पे, छोटी मंडी में क्या भाव है? मंडी के अंदर होलसेल में 90 रुपये किलो है, यहाँ पे 100 रुपये किलो है। आपका नाम? नाम परसोत्तम। 100 रुपये लग रही प्याज की दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। पहले मैं 1 किलो लेता था, अब आधा किलो पावर से काम चलाता हूँ। लहसुन अभी लिया मैंने, 1 किलो लेता था पावर लहसुन लिया, 50 रुपये बन दिया, अभी 200 रुपये को भाव से लहसुन दिया मेरे को। रसोई पर असर पड़ा इसका पूरा? बहुत ज़्यादा असर, ये देख लो जब लेके जाते 1 किलो तो पावर ले तो असर कितना पड़ रहा। नाम बताया? भगवान दास जी अटवाल।